हेलो 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 हेलो। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिदम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे को दो तीन चीज़ें बतानी जो मैं बता देता हूँ। इसका अगर इंग्लिश वर्जन वीडियो का देखना है तो उसकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। अगर इस कोड के बारे में पढ़ना है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश में, इंग्लिश क्या है वो हिंदी इंग्लिश फॉर्म में लिखी हुई जैसे हम लोग मैसेजेस में लिखते हैं उसमें पढ़ना है, तो उसका भी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके पढ़ सकते हो आप। अब पहले फंक्शन क्या बोल रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या है, फंक्शन कह रहा है कि हमारे पास कोई वेक्टर है जो इंटीजर स्टोर कर रखा है जिसका नाम हाइट है, ठीक है। हमें आउटपुट में देना है एक इंटीजर, ठीक है। अब मैक्स एरिया अगर नाम रखा है तो ऑब्वियसली किसी मैक्सिमम एरिया के बारे में बात हो रही होगी। अब यहाँ पर सेम चीज़ दे रखी है कि हाइट है, वेक्टर का नाम लेंथ है उसकी एन, और दे रखा है दो एंड पॉइंट है आई। हमें बेसिकली ये देखना है, हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि हमें पता ये करना है कि मैक्सिमम वाटर, ये जो मैक्सिमम वाटर है वो किन दो पोल्स के बीच में आ सकता है। ये जीरोथ इंडेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। तो मैक्सिमम वाटर कहाँ आ सकता है, तो मैक्सिमम वाटर वहीं पर आएगा जहाँ पर मैक्सिमम एरिया होगा। मैक्सिमम एरिया कैसे मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मिलेगा कि अगर हम यहाँ की वैल्यू माइनस यहाँ की वैल्यू कर देते हैं तो इसकी जो विथ है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये मिल गया। अब हमें वॉल्यूम के लिए क्या करना है कि हम देख लेते हैं कि हाइट सबसे छोटी का, ठीक है, वो देख लेते हैं इन दोनों के बीच में सबसे छोटी हाइट का। इन दोनों के बीच की जो हाइट है जो छोटी होगी वो ये है, तो ये करेगा क्या कि मैक्सिमम जो वाटर कंटेनर होल्ड कर सकता है मैक्सिमम विथ का वो दे देगा। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने ये क्यों नहीं लिया, 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 हमने ये क्यों नहीं लिया। हाइट तो इनकी भी छोटी है, हाइट इनकी छोटी है लेकिन एरिया भी कम हो रहा है बीच में, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया में जो सबसे छोटी हाइट है वो ये वाली है, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेंगे छोटी हाइट h, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, लेट्स से ये j क्या दे रहे हैं, ये हम i क्या दे रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि j माइनस i होगा इंटू h, ये हो जाएगा। तो ये हमें दे देगा हमारा एरिया, ठीक है। तो ये करेंगे, और अगर एक बार हमें मिल गया कि सबसे चौड़ा कंटेनर कौन सा है, उसके बाद तो कोई भी कंटेनर आएगा सबसे छोटे चौड़े कंटेनर से छोटा ही होगा, तो हम उसे कंपेयर कर लेंगे। तो ये करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये क्या कहते हैं कि भाई वाटर डिफाइन कर लेते हैं, इंट वाटर को हम कह देते हैं 0, ठीक है। फिर हम डिफाइन कर लेते हैं एच जो बनाना है, तो हम कह देते हैं इंट एच, इंट h डिफाइन, i डिफाइन करना है तो i को कह देते हैं हम 0, और हमें j भी डिफाइन करना, तो यहीं पर मैं j डिफाइन कर देता हूँ। j को भी मैं कह दूंगा क्या है, h e i g h t h, t h नहीं, h e i g h e i g h t डॉट साइज, ये वेक्टर का नाम है, ठीक है, वेक्टर का नाम -1 सेकेंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। i j डिफाइन हो गया। अब हमें मिनिमम चाहिए h, तो हम कह देते हैं इंट h। अब मिन करके एक फंक्शन होता है जो दो वैल्यू को लेके कंपेयर करता है, उसमें से जो छोटी वैल्यू होती है उसको लेके स्टोर कर देता है। तो हम मिन को मिन वैल्यू लेंगे और हम कंपेयर कर लेंगे क्या, हम कंपेयर कर लेंगे हाइट जो आईथ इंडेक्स पे है और हाइट एच आई जी एस टी जो जेथ इंडेक्स पे है। तो इसकी जो इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो एच हो जाएगी हमारे, एक ये भी हो गया। अब हमें वाटर क्या है, वाटर तो हमें डिफाइन कर रहा है कि एरिया कितना लिया ना, तो हम वो कह लेते हैं। अब वाटर के लिए भी हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो हम मैक्स कर लेते हैं। अब ये दो वैल्यूज को लेगा और उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमें वापस कर देगा, तो हम वाटर को कह देते हैं मैक्स वाटर, वाटर यहाँ डिफाइन कर रखा है, और हम कह देंगे जे माइनस आई इंटू एच, तो ये हमें दे देगा कि कितना वाटर है। तो अब ये ऑब्वियसली ये छोटा होगा, इससे एच की कोई मिनिमम वैल्यू यहाँ से आई होगी, जे माइनस आई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ कोई नंबर आएगा वो 0 से बड़ा ही होगा, तो वो वाटर हो जाएगा, वाटर की उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो
तो ये कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब बस कंपेयर करने वाली बात है। वाइल राइट ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू एच एंड एट आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, वॉट यू कैन डू इज से आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ मैंने इंग्लिश वाले वर्जन में एक एरर किया है जो मैं यहाँ नहीं करूँगा, और मैं बता देता हूँ कि क्या था। हाइट मैंने वहाँ भी सही कर दिया, बट यहाँ मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था, और मेरे को थोड़ा समझ में टाइम लग गया था कि फंसा क्यों वो। तो यहाँ पर ये सही किया मैंने, ठीक है, एच एंड कंडीशन भी सही डाली मैंने, ठीक है, यहाँ पर हाइट एच, बड़ी सिली सी मिस्टेक होती है सर ये। ठीक है, ये सही था, कंडीशन सही थी, मैंने वहां कर दिया जे प्लस प्लस। अब यहाँ गलती क्या थी, वहां एड्रेस की गलती आ रही थी। जे प्लस प्लस क्यों नहीं होगा, जे प्लस प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग वेक्टर के आगे जहाँ वेक्टर है ही नहीं वहां वैल्यू ढूंढ रहे हैं, वहां कंपेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा है, ऑब्वियसली ऐसा होगा, तो ऐसा होने पे हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ जाओ। अब वो आगे बढ़ेगा पॉइंटर जब कुछ है ही नहीं आगे, तो हमें ये नहीं करना, हम जे से पीछे की तरफ आते हैं, तो हमें बस इतना करना था जे माइनस माइनस। ठीक है, बस इतने में मेरे को कम से कम 2 मिनट लग गए ये समझने में, कोड देखा मैंने कि कहाँ है भाई, क्या हो गया। तो यही छोटा सा था एरर, तो ये कर लिया। बस हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है पठा। हम लोगों ने ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स किया नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर एक जो चीज थी जिसपे सारा सारी चीजें निर्भर थी वो तो किया ही नहीं हम लोगों ने। हमने यहाँ लूप ही नहीं लगाया, जाएगा कहाँ से कहाँ तक भाई, वो भी तो बता दो। व्हाइल आई इज लेस देन जे तब ये करो, ठीक है, यहाँ व्हाइल वाला लूप बंद किया, ठीक। अब यहाँ पर हम अपना फंक्शन वाला लूप करेंगे बंद, और हम रिटर्न करेंगे वॉटर। ये नहीं किया होता तो कुछ होता ही नहीं कि कौन सी कंडीशन पे ये सारी चीजें होंगी, तो वो मिस हो रहा था, लेकिन पकड़ लिया। अब देखते हैं, और जैसा आप देख रहे हो दोनों टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड अगेन, अगर आपको इस कोड के बारे में समझना है, जानना है, इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इंग्लिश वीडियो, अंग्रेजी वीडियो अगर देखनी है इसी सेम चीज़ की, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।